दोस्तों, वेलकम टू YT स्पोर्ट हिंदी। और मैं आपका दोस्त जतिन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ट्रेंडिंग वीडियो किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड, रिसेंटली कोई एक्टिविटी चल रही हो या रिसेंटली किसी टॉपिक पे बात की जा रही हो, वो सारा बात की जा रही हो एक ही टॉपिक के ऊपर, उसे हम ट्रेंडिंग वीडियो कहते हैं। आजकल लोग आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग से पहली वीडियो से ही वो सुपर हिट हो जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसका रीजन ये है, वो सबसे पहले तो उस टॉपिक को फाइंड करते हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा हो। देखिए फ्रेंड, काफी सारे टॉपिक है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, पर पर्टिकुलर आपको दो या तीन टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए, लगातार उसके ऊपर वीडियो लानी चाहिए। अब मैं ऐसे ही एक टॉपिक का नाम बताना चाहूंगा, BSNL। आप सबको पता होगा BSNL टॉपिक अभी राइट नाउ बड़ा हॉट चल रहा है, क्योंकि टाटा के साथ उसका मर्जर हुआ है, टाटा डोकोमो उसके साथ वापिस आ रहा है, साथ ही साथ वो 4G 5G कनेक्शन लेके आ रहा है, साथ ही साथ वो अपने साथ लेके आ रहा है BSNL 4। इसलिए ऊपर लोग BSNL के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं और BSNL की वीडियो को यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखना चाहते हैं, उसे फाइंड करते रहते हैं। इसी तरह का टॉपिक है फेसबुक। आप सबको पता है कि फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो गई है, रील के पैसे मिलते हैं, स्ट्रीम ऐड के पैसे मिलते हैं, बोनस के पैसे मिलते हैं, स्टार के पैसे मिलते हैं, अलग अलग चीजों के फेसबुक आपको मनी या पैसे प्रोवाइड करता है। लोग इसके बारे में भी देखते हैं, सर्च करते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे इनकम कमाई जाती है और किस तरह आप एक अच्छी इनकम फेसबुक से ला सकते हैं। अब तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, वो है यूट्यूब, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो यूट्यूब भी एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, जिसके ऊपर लोग जानना चाहते हैं कितनी वीडियो पे आपको पैसे मिलते हैं, मोनेटाइज होने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए या सब्सक्राइबर कितने चाहिए मोनेटाइज होने के लिए। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर आप अगर वीडियो लेके आते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो लेके आते हैं, आज के टाइम पे ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा हिट, बहुत जल्दी सुपर हिट हो जाती है, लाखों व्यू उसे मिलते हैं और लोग उसे देखना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, ट्रेंड को ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो। अगर आपको कोई वीडियो बार बार दिखाई दे रही है, फूड के ऊपर दिखाई दे रही है या ट्रैवल के ऊपर दिखाई दे रही है, अगर आप उस जगह पे जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ट्रैवलर ब्लॉग बने या फूडर ब्लॉग बने, तो आपको उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी जो टॉपिक राइट साइड आप सोच सकते हैं कि ट्रेंड में चले। ऐसे ही मैंने तीन टॉपिक आपको बताए, आपको देखना हो, समझना पड़ेगा आप क्या टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहे हो और उसके ट्रेंडिंग वीडियो क्या चल रही है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ही सर्च करना पड़ेगा कि आपकी पहली वीडियो ही अच्छी परफॉर्मेंस दे, और एक वीडियो से ही आप अपने वॉचिंग टाइम हो या फिर आपका सब्सक्राइबर हो उसे कंप्लीट कर सके। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।